गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया और फिर से बारिश का मौसम हो गया है, तो अभी बारिश होने ही वाली है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी नाश्ते में क्या बना रही हो दीदी? आज नाश्ते में हलवा बना रहे हैं और सबका मन है मीठा खाने के लिए, तो मैंने हलवा बनाया और इधर चाय बन रहा है। अब पापा का फेवरेट है हलवा, इसलिए सोचे हैं बना लेते हैं। और आज है अनूप का छुट्टी। क्यों जी अनूप, कल गए स्कूल तो का छुट्टी हो गया, आज मोहर्रम है, छुट्टी नहीं रहेगा। तो अभी हम बना रहे हैं चाय और हलवा, नाश्ते बना रहे हैं, खाने देखते हैं क्या बनता है, जो बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। बारिश का मौसम है, मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है, कहीं जाना ना नहीं बन रहा, तो कुछ टाइम के लिए आप लोग यही एडजस्ट कीजिए। जैसे तैसे मैं आप लोग के साथ ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग लाने वाली हूँ, क्योंकि बरसात में कहीं आना जाना नहीं बन रहा इसलिए, और आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। आज है मुहर्रम। हाँ मुहर्रम, अभी हमने नहा धोया, पूजा पाठ कर लिया, अभी मेरे बाल भी गीले हैं और आज है मुहर्रम। तो आप लोग, आप सभी लोग को हैप्पी मुहर्रम और मुहर्रम की हार्दिक हार्दिक बधाई हो आप लोग को। तो दोस्तों, आप लोग मुहर्रम कैसे मनाए जरूर बताइएगा। और देखिए, यहाँ मेरे ब्लॉग्स जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों देखते हैं, तो इसलिए मैं मुस्लिम भाई बहनों को मुहर्रम का वो मुहर्रम मुबारकबाद कर रही हूँ। तो हिंदू भाई बहन आप लोग गलत मत समझिएगा। तो इधर नाश्ता जल रहा है, साथ साथ तुम्हारा नाश्ता भी जल जाता है। अनु, कितना मीठा तुमको चाहिए? हमको तो एकदम बहुत बहुत ज्यादा मीठा चाहिए, डायबिटीज हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ नहीं होगा, अभी 10-15 साल कुछ दवा मीठा खा लेंगे तब। पानी जाते लगे कैसे खोलने? खोल नहीं रहा है, वो मारपीट हो रहा है। मार्केट हो रहा अनूप में और डाली में, तुरंत लगता है जमने। लेकिन देखो, हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। चाय बन गया है और देखते हैं खाने में क्या बनता है। मम्मी क्या करी आओगी? है मूंग दाल, जिसका हम आज बनाने वाले हैं दाल हलवा। अच्छा, हाँ इसका हलवा भी बनता है, पर हलवा आज नहीं बनाएंगे, किसी और दिन बनाएंगे। ऐसा लगता है हलवा में जितना पानी डालो उतना ज्यादा हलवा बनता है, सही है क्या? पता है सब बात। हमको लगता है अगर एक कढ़ाई पूरा पानी डाल दो तो एक कढ़ाई हलवा हो जाएगा, इतना बड़ी बन जाएगा। देखो कितना अच्छा सा हलवा बन रहा है, एकदम सूखा बनाएंगे, चलाते जाएंगे सूखा सूखा बनाते जाएंगे। वैसे हलवा काफी बहुत ज्यादा दिन हो गया था खाए हुए, नहीं सही बात। तुमको हलवा पसंद नहीं है? हमको पसंद है। पसंद है तब खाना दबा के। तो इधर है काला उड़द और चना, और इसी का दाल बनाने वाले हैं मिक्स करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे क्या ना। तो इधर काला उड़द और चना का दाल चलते हैं बना लेते हैं फटाफट। तो नाश्ता बन गया, हमने सोचा दाल रख देते हैं। तो देखिए, इधर चना और उड़द का दाल धुल दिए हैं, अब इसको हम बनाएंगे पूरा स्पेशल तरीके से। मेरे वहाँ बहुत गाड़ी जाता है, हॉर्न बहुत बाजता है। अब इसमें अभी हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। तेल सब दाल में पड़ता है? हाँ, इससे दाल ऊपर नहीं आता है। एक चम्मच तेल, तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। इधर हम सीटी लगाएंगे, 5 सीटी हाई फ्लेम पे, 5 सीटी लो फ्लेम पे, 10 सीटी लगेगा। इधर अनूप जी आ गए हैं, क्या लेकर आ रहे हो? खरबूजा। खरबूजा नहीं है, कोहरा। कोहरा, इसको अनु फोड़ेगा, जिसी का सब्जी बनेगा। क्यों जी? हाँ जी, तो फोड़ो जी। फोड़ा है? हाँ। ऐसे पटकना है? हाँ ऐसे पटकना है, ऐसे पटकना है। नहीं, कोहरा काटा नहीं जाता है, फोड़ा जाता है। कुछ आ गया, हाथ कुछ आ गया, चोट लग गया। हाँ, धीरे से फोड़ो। इसी में हाथ चुभ गया। ये मौसी जी मेरी कोहरा मौसी जी दी थी, अभी देखते हैं कैसा है, पका है कि सड़ गया। और अरब को कोहरा पसंद है, इसीलिए एक वो खड़ा दी है, एकदम बढ़िया है जी, कहाँ खराब है कभी देखना। अम्मी नहीं जी, मस्त है, मस्त है कोहरा, कितना मोटा है और एकदम लाल। इसका सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, मीठा है, गांव गांव की सब्जी है। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है? तब तो सब्जी तो फूट गया, अभी मम्मी काटेगी, दाल बन रहा है, तब तो चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। क्यों,
हाँ ये देखो कितना मोटा है, ये सब सब्जी है ना। हाँ बीच में का बीज वाला फेंका जाए, ये सब्जी है इतना मोटा। हाँ ये सब डाली के लिए सब्जी है। तुम खाली डाली के फेरम क्यों पड़ते हो जी? क्या जी डाली? हाँ बहुत बढ़िया, पिटाई होना स्टार्ट हो गया। तनी कस के मार दूंगी डाली। अनुप का छुट्टी है, क्यों छुट्टी है जी? बकरीद। बकरीद नहीं है, मुहर्रम। अरे तो दोस्तों देखिए कितना मस्त हलवा बना है, और हमको सूखा हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, गीला वाला नहीं, इसलिए हम सूखा बनाया है एकदम, और सबके प्लेट में लग गया है। इधर पानी भी रखा गया, अभी सब लोग चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों ये लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने, और इधर आज लग रहा बारिश सुबह से स्टार्ट होने वाली है। खाओ जी। काहे अभी उठे सो के तब तक नींद लगने लगा? एक दिन तो गए पढ़ने, तब तक छुट्टी आ गया और तुमको नींद भी लगने लग गया। क्या हुआ? और अनूप हलवा कैसा लग रहा है बताओ? हलवा एकदम बेस्ट लग रहा है। डाली डाली। तो दोस्तों लोग नाश्ता कर रहे हैं, चलते नाश्ता करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. तो अभी इधर पापा सब्जी काटना चालू कर दिए हैं, तो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है कोहड़े का सब्जी। पापा पसंद है ना आपको? कोहड़े बना के क्या करते हैं? हाँ। तो इधर पापा भी कोहड़े को काटते हैं, कितना बारीकी से काटते हैं, एकदम मस्त, इतना बढ़िया तो अभी मम्मी नहीं काट पाएगी। क्यों जी डॉली? हाँ कपड़ा धुल रही हो? हाँ क्या कर रही हो? नहीं दिखाई दे रहा, बताओ क्या गिर रहा है? पेड़ से गिरा है ना? खा ले यार, आम रात में गिर रहा है, पक पक के एक एक ठो गिर रहा है। क्या होगा जी टॉली? हाँ जाओ तोड़ लो, मन तो करते बखाए के। और कहा है जी लग्गी लेके आओ, पका है वो वाला, पका है वो वाला। हाँ डॉली दो को तोड़ना हमारे खातिर भी। हाँ पक गया पक गया, गिरा दो मम्मी के ऊपर, देखा जाए पका है। हाँ देखा जाए, किससे कट गया ये? उसमें चाकू से काट दियो। इतना झार आ रही हो जी, अब नहीं पका है, जो पका रहता है गिर जाता। तक डाली को लग रहा है एकदम मन कर दिया हम खाने के लिए मम्मी। हाँ इधर आ गए खाना बनाने, अभी डालेंगे तेल में जीरा मिर्ची सूखी लहसुन दो हरी मिर्ची। अरे यार तेल ऊपर गिरा देती हो। और बारीक कटा हुआ प्याज, हर दाल इतना मस्त बन के रेडी हो गया है। इतना ही दाल गलाना है, ज़्यादा नहीं, इसको मैश कर देंगे थोड़ा सा। यार मम्मी जो आम तोड़ी है देखा जाए मम्मी, कितना मस्त दिख रहा है। अरे एकदम पक गया है। ऐसा टेस्ट तो जैसा उसका किसी में है ये नहीं। हाँ मीठा ज़्यादा है ये आम,
इस इसका जो छिलका होता है बहुत पतला है, अंदर का गुद्दा जो इसका मोटा है। हेलो, इधर तड़का जल गया, तो हम डाल देंगे दाल। और बताइए, पिछला सारा दाल हो गया, क्योंकि हमारे घर में दाल ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है और सब खाएंगे ज़्यादा क्यों ना। हाँ, हमको तो बहुत ज़्यादा दाल पसंद है। अभी दाल में तड़का गया, चावल लगते हैं, लास्ट में सब्जी बनाएंगे क्यों। हाँ जी, चावल रख दिए इधर, दाल में देखो खोल आ गया, कितना गाढ़ा दाल हुआ। ये दाल गाढ़ा ही अच्छा लगता है, और इसको पलटी करते हैं, सब्जी बनाते हैं। इसी में तेल गर्म हो गया, जीरा डालेंगे, प्याज मिर्ची, और देखो अनूप कितना पातिर पातिर कटाया है, पतला पतला, जिस लड़ा मशीन से कटाया है। पापा का हाथ का है। नमक डालेंगे, इसमें हल्दी नहीं पड़ता होगा, पड़ता है, ये तो ऑलरेडी पीला है, तो क्या पड़ेगा, हल्दी कलर लाने के लिए होता है ना। हाँ, हल्दी नमक पड़ गया, इसको सूखा भुजिया बनाना है, कुछ भी नहीं डालना है पानी वाली, और इसको ढक के पकाना है 15 मिनट, और चावल भी बन जाएगा, फिर आलू को खड़ा देंगे। A few minutes later. तो दोस्तों इधर खाना लग गया है, खाने और खाने में क्या बना आप लोग ने देख लिया है। बताओ जी अनूप, मस्त हुआ खाना डॉली, अम्मी इधर पापा खाना खा रहे हैं, इधर सब लोग खाना खा रहे हैं, खाने में क्या बना आप लोग ने देख लिया। इधर सुबह से ही मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, ये लोग खाना खा रहे हैं, अभी चलते खाना खाते, मिलते हैं नए ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।